नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। पटना आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर ईरा विमेन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित आध्या और अनुध्या खादी ने छठ व्रतियों के बीच सूप और पूजा सामग्री का वितरण किया। सूप और छठ पूजन सामग्री का वितरण सोमवार को बंदर बगीचा स्थित जानकेश्वर भवन परिसर में समाज सेविका समता भारती और आध्या एवं अनुध्या खादी की संचालिका अनु के द्वारा किया गया। हम लोग छठ का सूप डोनेट कर रहे हैं। जो लोग बहुत नीडी है, जो लोग छठ करना चाहते हैं पर किसी रीजन से कर नहीं पाते हैं, उनका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है, तो हम लोग वैसी महिलाओं को स्पेशली यहाँ बुला करके थोड़ा सा हमारी तरफ से जो हेल्प हो सकता है वो कर। लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार कार्यक्रम किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार कार्यक्रम में कई अहम विभागों से जुड़ी शिकायतों पर सुनवाई भी की। कोरोना का दौर शुरू हुआ दूसरे राउंड का, उसके पहले तो एक राउंड हम किए ही हुए हैं, अब उसका फिर हम देखेंगे कि कितने का कंप्लेन आया और कितने कंप्लेन पर एक्शन हुआ, कंप्लेन सही था गलत था, क्या उनका नतीजा निकला, एक एक चीज पर करेंगे समीक्षा, छोड़ेंगे नहीं हम एक भी चीज को। और अगर अपनी तरफ से जो भी जिनकी जिम्मेवारी है वो अपनी जिम्मेवारी को ठीक ढंग से नहीं निभाते हैं तो उन पर तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, और तो उसके लिए तो हम लोग करेंगे। लेकिन हम फिर भी दोहरा करके कह रहे हैं, अनेक जगहों पर लोग पकड़ते हैं तो पकड़ते हों तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो हमने कहा कि कुछ जगहों पर क्यों नहीं दिया एक्शन, भाई लिया क्यों नहीं देखता है उस तरह से, तो इसलिए एक एक चीज़ पर बात हो रही है। और दूसरी बात है कि बताइए, अपना कर रहा है गाँव में धंधा, शराब पैदा करता है, उसको बनाता है, उसको बेचता है, अब अरे देखिए कितना गंदा चीज़ बना करके बेच रहा है और कितने लोगों की जान चली गई। तो जान चली गई तो उनको भी सोचना है ना कि ये सब चीज़ मत पियो, पियोगे तो किस तरह का तुमको दे रहा है, कौन दे रहा है। हाँ, लेकिन जो गड़बड़ करता है, एक एक जगह की जानकारी लेकर के इस तरह की घटना नहीं हो उसके लिए जितना भी संभव है एक्शन करना जरूरी है। लेकिन सब चीज़ों के बावजूद ये मानना कि हर आदमी सही हो जाएगा ये तो संभव नहीं, ये आप समझ लीजिए हम हर बार जो बोलते रहते हैं कि जान लीजिए कितना खतरनाक चीज़ है। लोग जो बाहर गैर कानूनी ढंग से ये सब काम जो करते हैं, देख रहे ना कितना का डेथ हो गया, पहले भी हुआ है दो चार बार, और बार बार हम लोग कहते हैं कि ये सब लीजिएगा तो नुकसान होगा ही। तो जो दो नंबरी धंधा करता है उसके माध्यम से लोग लेकर के अपना ये कोई ग्रहण करता है दो नंबरी काम, देखिए नहीं गया का तो खैर ठीक है, हमारा पटना का नहीं हुआ है तो जो भी है वो अपना उसके हिसाब से तो रहेगा ही। और उसमें आने जाने में जो आपने सवाल किया है ये सही है कि कोई भी आए जाए बाहर का आदमी तो उसको कम से कम समय लगना चाहिए, तो उसे तो हम लोग देख रहे हैं कि कितने कम समय में लोग पहुँचेगा। अब जानते हैं पटना से राजगीर पहुँचने का, तो अब आगे जो एक और सड़क हम लोग बनवा रहे हैं, यानी पटना से राजगीर पहुंचेगा तो 80 किलोमीटर मात्र रहेगा, इस तरह का व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं। और गया से लोग आएंगे, बोधगया से आएंगे, तो उनके लिए भी इतने अच्छे ढंग से सड़क का निर्माण चल रहा है कि बहुत कम समय में वहाँ के एयरपोर्ट पर भी कोई आएंगे तो चले आएंगे। तो हम लोग सब देख रहे हैं और जितना काम कर रहे हैं हम लोग तो उसके लिए तो पूरे तौर पर लगे ही हुए हैं, और अभी कुछ समय के बाद वहाँ पर हम लोग जाएंगे और बात हो गई वहाँ के वाइस चांसलर से, हम लोग फिर बैठेंगे कि यहाँ के लिए राज्य सरकार को और जो भी सहयोग करना है वो सब हम लोग करेंगे। एक बात जान लीजिए, हम 70 एकड़ ज़मीन रखे हुए, वो 70 एकड़ ज़मीन क्या के लिए रखे हुए, यूनिवर्सिटी बन जाएगा तो उसको 70 एकड़ ज़मीन दे देंगे, और 70 एकड़ ज़मीन का जिस तरह से भी उपयोग करके उसको फायदा होगा तो उसको फिर किसी तरह से दिक्कत नहीं होगी, उसको लाभ मिलेगा। तो आप सोच लीजिए, सब सोच करके हम लोग सारा काम किए हुए रखे हुए हैं सब चीज़। तो अभी बिल्डिंग बन रहा है, अब कुछ ही महीने में एक हमको उम्मीद है कि वो समूचा बन जाएगा तो वहाँ पर सारा काम शुरू हो जाएगा, और टीचर्स उसके जो प्रोफेसर्स वगैरह के रिक्रूटमेंट का वो भी कुछ केंद्र से हो चुका है, तो ये सब हो करके एक रोज़ हम लोग और बैठ करके देखेंगे कि हम लोगों को और क्या क्या करना पड़ेगा अपने यहाँ से ताकि तेज़ी से इसका फंक्शनिंग शुरू। आप समझ गए ना, ये पावापुरी में जो हम लोग मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनवाए और कितना अच्छा बना है, आप ज़रा गौर करके देख लीजिएगा।
तो ये था कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी जो हम लोग बनाए हैं अब वो इंटरनेशनल है, लोग बाहर से आएंगे, किसी को किसी तरह की तकलीफ नहीं, तो उसके लिए हम लोगों ने उसी समय सोच करके बगल में ही बनवा दिया ताकि इलाज वगैरह में किसी को कोई कठिनाई नहीं हो। ये भी काम किए हुए भी हम उस दिन कल थोड़ी बोले हैं, लेकिन हम ये आपको बता देना चाहते हैं कि ये भी काम इसलिए किया गया कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आएँ उनको किसी तरह की असुविधा नहीं हो। और वहाँ पर राजगीर में देखिए गया से और पटना से आने के लिए तो जो इंतजाम हो रहा, सड़क बन रहा है, तो आप जानते हैं कितना अच्छा है, बहुत कम समय लगेगा और एक एक चीज़ के लिए। और दूसरी बात है कि उसके लिए हम लोगों ने जो गंगा जल पहुँचाएँगे तो उसके लिए सारा काम कर रहे हैं ताकि दुनिया भर के लोग आएंगे, देखेंगे कि अरे भाई ये किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर। अब जो भी यूनिवर्सिटी हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी वहाँ पर जो काम किया जा रहा है, स्पोर्ट्स के लिए भी जो काम किया जा रहा है, ये सब में जो सुविधा हम लोग देंगे वो गंगा जल का ही देंगे। तो इस तरह से जो सब कुछ होगा तो लोगों पर कितना असर पड़ेगा आप ये सोच सकते हैं। तो ऐतिहासिक जगह है ही है, तो इस सब का रिश्ता देख लीजिए ना, पूरा का पूरा बोधगया का, तो राजगीर का, तो इस सब जगहों के चीजों के लिए तो हम लोग कर ही रहे हैं, कोशिश कर ही रहे हैं। पटना में मुख्यमंत्री ने छठ घाटों का जायजा लिया। इस दौरान सीएम ने नासरीगंज से कंगन घाट तक का दौरा किया, साथ ही सभी तैयारियों के मुकम्मल इंतजाम का भी दावा किया है। लेकिन आज लगभग सब काम पूरा हो गया है और जहाँ कहीं भी घाट बनना है उसके बारे में पूरी तैयारी है, और जहाँ कहीं भी नहीं बन सकता है उसके लिए लोगों को भी सतर्क कर दिया जाएगा, वहाँ पर घाट नहीं बनेगा। लेकिन अब काफ़ी अच्छी संख्या में हो गया है, तो आज देख करके इससे हमको हम लोगों को संतोष हुआ है। सब लोगों ने बहुत मेहनत किया है, उसका जो बचा हुआ काम है उसको तत्काल मेरे हिसाब से वो कर ही लेंगे। आज रात कई घाटों में दलदल की स्थिति बनी हुई है। नहीं, वो जो पड़ी इसलिए दो तीन घाट तो आगे इसलिए रुकना पड़ा है, बाकी जगह बालू लगाया गया और कई जगहों पर बालू लगाया गया, कई प्रकार से जो कुछ भी किया जा सकता है वो किया गया है। अब सब लोगों के लिए सुविधाजनक इलेक्शन से आप संतुष्ट हैं? जिला प्रशासन जो व्यवस्था उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, बहुत अच्छा है, हम इससे संतुष्ट हैं। नहीं देखिए, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने पटना स्थित जो गंगा घाट हैं उसका निरीक्षण किया है, और इस बार के निरीक्षण में जो अंतिम रूप दिया गया है छठ घाटों का, खास करके सरकार की जो जिम्मेदारी है जान माल की रक्षा करना, बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना जो हमारी प्राथमिकता है, उस प्राथमिकता को हम सबों ने ध्यान में रखा है और वो सारी चीज़ें स्पष्ट तौर पर अब दिख भी रही है। आपने देखा होगा कि हमने लगातार सभी घाटों पर बांस बल्ले की ब्रैकेटिंग की है कि हमारे जो श्रद्धालु हैं उनके परिवार के सदस्य हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो गहरे पानी में नहीं जाएं, इसका हम सबों ने ध्यान रखा है। दूसरा क्या कि हमारी जो माताएं बहनें हैं जो छठ व्रत करती हैं उनके लिए एक चेंज रूम भी बनाया गया है कि स्नान के बाद उन्हें कपड़ा बदलने में कोई असुविधा नहीं हो। हम सबों ने जगह जगह वॉच टावर का भी अधिष्ठापन किया है, वहाँ हमारे पुलिस के जवान रहेंगे जो निगरानी करेंगे कि पानी में या गंगा की नदी में कोई अप्रिय कुछ घटना होने की संभावना हो तो सचेत करेंगे। NDRF SDRF के तमाम हमारे गोताखोर लगातार गश्ती करेंगे और जगह जगह उन्हें हम सब डिप्लॉय भी किया है, और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था और जो छठ घाट हैं उससे मुख्य सड़क का जो संपर्क पथ है उसको भी हम सबों ने बेहतर करने का। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार घाटों का निरीक्षण करते रहे और आज मुझे लगता है तीसरी बार वो घाटों का निरीक्षण कर रहे थे। पटना सिटी के 3-4 घाट खतरनाक घोषित किए गए हैं, क्योंकि वहाँ जो दलदल है वो बालू बिछाने के बाद भी वो दलदल ठीक नहीं हो सकता है, इसलिए उसको खतरनाक घोषित किया गया है। लेकिन जहाँ थोड़ी भी संभावना थी वहाँ बड़े पैमाने पर बालू बिछा करके उस दलदल को समाप्त करके
लोगों के आने जाने का मार्ग प्रशस्त किया गया। गया में चार दिनों तक चलने वाले लोक आस्था का महापर्व नहाय खाय के साथ शुरू हो गया है। गया शहर के ऐतिहासिक सूर्यकुंड सरोवर में व्रतियों ने डुबकी लगाकर भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की। वहीं इस बार गया शहर के मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान भी अपनी पत्नी संग छठ पूजा कर रहे हैं। सूर्य भगवान है, सभी देवों में इनका एक अलग महत्व है और इस पर्व को करने से सारी आर्थिक मानसिक शारीरिक सब सुख मिलता है। द्रौपदी जी को सारा राजपाट जब छीना गया था तो सूर्य भगवान का कथा के नियम है तो उनको यही बताया गया था, पास में देव है मंदिर सूर्य भगवान का, वहाँ छठ की थी और इनके प्रताप से उनका राजपाट मिल गया। इसलिए इस पर्व को करने से सूर्य भगवान की आराधना करने से आज नहाए खाए है, कल खड़ना है, परसों अर्घ होगा, सुबह में भी अर्घ दे के पारण लोग करती हैं। इस पर्व का बहुत महत्व है, जो भी करते हैं उनका आर्थिक शारीरिक मानसिक सभी तरह का कष्ट दूर करते हैं सूर्य भगवान। बख्तियारपुर के दलदल गंगा घाटों की मरम्मति नगर प्रशासन के सौजन्य से पूजा समिति सदस्यों द्वारा युद्ध स्तर पर की जा रही है। इसी क्रम में बख्तियारपुर नगर क्षेत्र स्थित सीढ़ी घाट गंगा तट पर नहाए खाए के दिन से लगातार चार दिनों तक चलने वाले भीड़ को देखते हुए दलदल घाटों की मरम्मति को लेकर नगर प्रशासन पिछले तीन दिनों से तत्पर नजर आ रहा है। वहीं पहले अर्घ को लेकर हजारों की संख्या में जुटने वाले भीड़ को देखते हुए घाट की मरम्मति को लेकर घाटों पर बड़े बड़े झाड़ और बालू देकर उसकी मरम्मति की जा रही है। बख्तियारपुर में चार दिनों तक चलने वाली लोक आस्था का महापर्व छठ व्रत का नहाय खाए के साथ शुरुआत हो चुका है, जिसको लेकर अहले सुबह से ही छठ व्रती बख्तियारपुर के विभिन्न गंगा घाटों पर पहुंच गंगा नदी में डुबकी लगाकर घाटों पर पूजा करते दिखी। इस दौरान बख्तियारपुर के सीढ़ी घाट, रानी सराय जहाज घाट समेत सभी गंगा घाटों पर अहले सुबह से ही सैकड़ों महिला पुरुष श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। नहाए खाए के साथ ही लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। एक तरफ जहां गंगा स्नान के बाद कद्दू भात की परंपरा दिखी तो वहीं दूसरी तरफ छठ व्रती मिट्टी के चूल्हे तैयार कर सुखाती दिखी, फिर गेहूं धोकर पूरी पवित्रता के साथ उसे सुखाया गया। पूर्वजों का ही मतलब देन है, वही हम लोग को बताए हुए हैं, जैसे उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर हम लोग अभी तक चल रहे हैं। गेहूँ धोते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, कूटते हैं, पीसते हैं, फिर चक्की में फिर उसका पकवान बना के अर्घ देते हैं। सब ध्यान रखना पड़ता है हमेशा, मतलब सवाल नहीं आए, कोई गिलहरी कोई झूठा उठा नहीं करे। उसको बहुत बड़ा पर्व है, इसको कहा ही गया है मतलब बड़का पर्व से नाम से लोग जानते हैं, और इस पर्व का बहुत बड़ा महत्व है सबसे पहले बिहार में खास करके इसका। भास्कर इस पर्व से जुड़ा हुआ है कि वो सब कुछ देने वाले हैं, कोढ़ी को काया देते हैं, निर्धन को धन, बांझ को पुत्र, सब कुछ देने में वो समर्थ हैं। इसलिए जो उनको मतलब मनोती मानता है कि हम दंड दे के जाएंगे, वो दंड भी देता है, कष्ट देता है, जैसे जिसकी जो मतलब मांग होने के बाद जैसे जो मांगता है उसका मनोती पूर्ण होता है तो फिर उसी ढंग से वो करता है।
क्या ही मतलब नया बर्तन पवित्रता से बहुत मतलब बहुत पवित्रता से इसको किया जाता है। बहुत बड़ा जैसे मैं जिसको जो चीज मांगता होता है वो पूरा होता है। पानी फल का तो देना जरूरी है वंश के लिए, जिसको नहीं है उसको होता है। नारियल हुआ, सेब, बेदाना, सनपात, अभी अथी केतारी, यही सब चढ़ता है। वैसे तो ये चार दिन से हो गया, आज लगा कर चार दिन हो गया, चौथा दिन जाकर अथी कल खरना है, उसके बाद पहला अर्घ है, उसके बाद तो सवेरे होगा बस समाप्त। कद्दू को तो अनिवार्य है, इसमें शुद्धता होता है। कद्दू और चावल, अरवा चावल का बूट का दाल, बूट के दाल, गेहूँ पिसवा कर रोटी बनता है। छठ पर्व है इसीलिए हम लोग नियम निष्ठा से करते हैं। छठ माई को पूरी बात होते हैं, कूटते हैं, उसके बाद सुखाते हैं, उसके बाद पकवान पकवान बनाते हैं, छठ माई को अर्घ देते हैं। बेगूसराय में नहाई खाई के साथ ही चार दिवसीय छठ महापर्व शुरू हो चुका है। नहाई खाई को लेकर बेगूसराय जिले के सीमड़िया, झमटिया सहित विभिन्न गंगा घाटों पर हजारों की संख्या में छठ व्रती और श्रद्धालु गंगा स्नान करने पहुंचे। पटना जिले के फतुहा शहर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां मॉर्निंग वॉक करने के दौरान एक जमीन कारोबारी शिव कुमार यादव के अपराधियों ने हाई स्कूल के प्रांगण में गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं शिव कुमार फतुहा के मिर्जापुर निवासी बताए गए। वहीं मामले में बताया गया कि अपराधियों ने दो गोली मारा और एक गोली सीने में तो वहीं एक गोली सर में लगी। घटना की सूचना मिलते ही फतुहा बाजार में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। वहीं फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। स्थानीय निवासी शिव कुमार यादव है, जो यहीं के रहने वाले फतुहा के, आज मॉर्निंग वॉक में निकले थे, हाई स्कूल के मैदान में अपराधियों ने द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। मौके से दो खोखा बरामद हुआ है, पुलिस की पड़ताल कर रही है। हत्या के कारणों का कुछ हत्या कारण अभी जो प्रथम दृष्टया सामने आया है, ये अपना कारोबार करते थे, ये भी सब सुनने में आया कि ये जमीन। बेगूसराय में छठ महापर्व के नहाए खाए को लेकर गंगा स्नान के दौरान गंगा नदी में डूबने से 15 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। घटना तेघरा थाना क्षेत्र के अयोध्या गंगा घाट की है। बताया गया कि स्नान के दौरान ही बच्चा गहरे पानी में चला गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव की तलाश की जा रही है, लेकिन 3 घंटे तक शव को बरामद नहीं किया जा सका था। घटना की सूचना पर तेघरा एसडीओ दलबल के साथ मौके पर पहुंची और कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। अभी अयोध्या घाट में रघुनंदनपुर निवासी अमरेश चौधरी का पुत्र अमन कुमार, जो अभी अभी यहाँ पर गंगा जी में डूब गया है, प्रशासन को खबर किया गया, लेकिन इसमें किसी प्रकार से प्रशासन से मदद नहीं मिला है। लगभग 3 घंटा घटना हो चुका है। अररिया जिले के फारबिसगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुभाष चौक जोगबनी रोड में पेट्रोल पंप के पास लूटपाट के दौरान अपराधियों ने गोलीबारी घटना को अंजाम दिया है, जिससे कि बगल के गैरेज में काम कर रहे 20 साल के युवक के सीने में गोली लग गई। गोली लगने से युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।